चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग लैपटॉप में एलेक्सा को सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एलेक्सा लिख के सर्च करना है, उसके बाद यहाँ गेट ऐप में क्लिक करना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर आपका इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छा है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। देख सकते हैं आप यहाँ पे एलेक्सा आ चुका है, अब इसको ओपन करना है। यहाँ पर यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी, अमेजोन में जो आप ईमेल आईडी और पासवर्ड यूज़ कर रहे होंगे वही पासवर्ड डालना है। और आपके पास अगर अमेजोन आप नहीं यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू में जा सकते हैं। अभी तो मेरे पास आईडी और पासवर्ड है तो अभी मैं स्क्रीन को फ्रीज करके आईडी पासवर्ड डाल के आगे बढ़ता हूँ। आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको ऐसा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको एग्री में क्लिक करना है। उसके बाद ये वेक वर्ड होता है, इसको अगर आप ऑफ रखिएगा तो कुछ बोलने पर भी एलेक्सा ऑन नहीं होगा, लेकिन अगर ये चीज़ ऑन रहता है तो आप एलेक्सा बोलिएगा तो ऑटोमेटिकली आपका वॉइस सुनने लगेगा, काम करेगा। यहाँ पे अलाउ क्लिक कर देना है। उसके बाद ये दो सेटअप होते हैं कि जब आपका एलेक्सा है जो टास्क बार में पिन रहेगा और कंप्यूटर जैसे चालू होगा एलेक्सा भी साथ में चालू हो जाएगा, तो इसके लिए भी फिनिश कर देना है सेटअप। उसके बाद अनेबल कर देना है, यस कर देना है, गेट स्टार्टेड में यहाँ पे दबाना है। Hi there. I'm excited to show you a few things to try. To talk to me, just say my name or click on the Alexa button on top. I can translate words and phrases for you. Okay. ये जो आपको दिख रहा है आपको ये बोल के ट्राई करना पड़ेगा, तब ये आपको आगे बढ़ने देगा। एलेक्सा 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 ऐड बनानास टू माय शॉपिंग लिस्ट। यहाँ पे ये शो मोड है, जैसे कि एलेक्सा का जो डिस्प्ले रहता है आपका लैपटॉप भी वैसा हो जाएगा अगर आप ये सब अनेबल करके रखते हैं। तो अगर आप इसमें शो मोड जो इसका होता है उसको देखने के लिए यहाँ पे गेट स्टार्ट आपको दबाना है। और आप देख सकते हैं कि आपका पीसी कंप्लीटली चेंज हो चुका है, एलेक्सा का जो डिजिटल स्क्रीन या स्मार्ट स्क्रीन होता है अब यहाँ बोलिएगा काम करेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे वेक वर्ड ऑन रखना है। एलेक्सा प्ले म्यूजिक। देखिए अब ये गाना यहाँ पे प्ले कर दिया, यहाँ पे मैं गाना नहीं प्ले कर सकता इसीलिए पुश कर दे रहा हूँ। अब जब आपको वापस पीसी में जाना है तो यहाँ पे होम में क्लिक करना है, उसके बाद ये क्रॉस वाला बटन दिया है इसको काट देना है। यहाँ पे आपका डिवाइस लॉक हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पिन डालना है लॉगिन के लिए। अब मान के चलिए एलेक्सा आपका ये ऐसे मिनिमाइज है, फिर भी आप इसको कमांड देके गाना बजवा सकते हैं, जो भी स्मार्ट गैजेट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। एलेक्सा प्ले म्यूजिक। एलेक्सा हियर्स हंगामा म्यूजिक। देख सकते हैं आप ये गाना बजाना शुरू कर दिया, मैं गाना को पुश कर देता हूँ नहीं कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो इस तरह से आप एलेक्सा को सेटअप कर सकते हैं अपने डिवाइस में। और आपको अगर ये मतलब वेक वर्ड ऑफ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए अगर इस ऑप्शन को आप यहाँ पे ऑन करते हैं तो एलेक्सा आपका लॉक स्क्रीन में भी काम करेगा, तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे आप इससे कॉल भी कर सकते हैं कम्युनिकेशन मोड में जाके। इसके लिए आपके एलेक्सा में
कॉन्टैक्ट ऐड रहना चाहिए। और यहाँ से ये जो शो मोड है जो आपको मैं बता रहा था उस टाइम, इसको भी आप सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद आप इससे कोई भी काम करवा सकते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल दिखे दिए हुए हैं, वो सारे काम आप इससे कर सकते हैं। गाना बजवा सकते हैं, अगर आपका कोई स्मार्ट गैजेट है उसको टर्न ऑन टर्न ऑफ सारा चीज़ कर सकते हैं यहीं से। और इस तरह से आप एलेक्सा को पीसी में यूज कर सकते हैं।